अच्छा सुरेश जी, मैं भी बहन कुमारी मायावती जी का ट्विटर अकाउंट देख रहा था, तो उसमें बहन जी ने लिखा है, सादा जीवन उच्च विचार के विपरीत शाही अंदाज में जीने वाले जिस व्यक्ति ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में समय वोट के खाते अपने आप को चाय वाला प्रचारित किया और वह अब चुनाव में दोबारा से ही अपने आप को चौकीदार घोषित कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, देश वाकई में बदल रहा है। इसके ऊपर क्या आप बोलेंगे भाई? मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये लोग ये धाय तो हो सकते हैं जी, माँ नहीं हो सकते जी, हमारी जिंदगी नहीं चाहते जी, हमारा हित नहीं करेंगे जी, उनका झूठ फरेबी जालसाजी का काम है जी, वही उनके पीर पैगंबर उनको सिखा करके गए हैं जी, उनके किसी भी उसको देख लीजिएगा, हर एक आदमी ने धोखा किया है कहीं ना कहीं, नहीं तो फिर सीधी सीधी बात है, काहे लिए इतने परेशान हो रहे हैं वो जी, पाकिस्तान से चीख मारते हैं तो भाई आपके पास हनुमान है जी, और अब तो वो दलितों का भी ठहरा दिया, हालांकि दलित शब्द पर कहीं आजकल रोक टोक है, लेकिन मैं क्या करूं, लोग तो अभी भी बोलते हैं जी, तो वो जब अछूत बता दे गया जी, दलित बता दे गया जी, तो फिर ठीक है हनुमान को ले आओ जी, जब वो इतने बड़े पहाड़ को उठा सकते हैं तो पूरे पाकिस्तान को उठा करके एक बार ही समुद्र में डलवा दो जी, लेकिन न इनका कोई देवता सच्चा है न कोई और सच्चा है, ये स्वयं में झूठे हैं, तो पहले झूठ बोला कि मैं चाय वाला हूँ जी, उन्होंने कभी चाय नहीं बेची जी, सरासर झूठ है जी, चौकीदार चौकीदार मैं चौकीदार हूँ, तो आज तो सबकी नजरों में हो गया है जी, कि चौकीदार चोर है। अच्छा, अरे भी सारा कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है देश में, क्या संविधान के तहत तो देश चल रहा है जी, जब इनको जरूरत पड़ती है अपने कहीं दबते हैं, भारतीय संविधान में ऐसा लिखा गया है जी, हम उसका वो सम्मान करते हैं, और थोड़ी देर बाद क्या है दूसरा एक कोने से बोल देता है, अभी बोला तो है, पता नहीं वो साक्षी महाराज है कौन सा महाराज है, उसने बोला है कि भाई 2019 के बाद 2019 में अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो उसके बाद हम चुनाव ही नहीं करवाएंगे। अच्छा, इसका मतलब लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को तोड़ देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, इससे बड़ी भी कोई और बात रह गई है जी। नहीं तो मोदी जी बोले कि भाई वो नालायक है, वो बेवकूफ आदमी है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी। लेकिन मोदी जी अगर शांत रहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि उसके समर्थक उसके कार्यकर्ता उसके पदाधिकारी उसके मंत्री उसके संतरी अगर इस तरह की बात बोलते हैं जी, तो उनको वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो झूठे हैं जी।